नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरीडे न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में। जो ग्रुप डी के कट ऑफ के बारे में बात करूंगा, उसका जो ऑन द बेसिस होगा, आधार क्या होगा, वो जो हमारा होगा पिछला कट ऑफ के एनालिसिस के आधार पर, और इस साल जो इस बार एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें से लगभग 5000 स्टूडेंट्स के ओवरव्यू के ऊपर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर जोन में, कितना स्टूडेंट्स जो है फॉर्म फिलअप किए हैं किस जोन में, और नेक्स्ट है एग्जामिनेशन पैटर्न जो डिफर किया है इस साल उस पर उससे रिलेटेड। इन चारों टॉपिक को लेकर मैं ये कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू ऑफ 2013 एग्जामिनेशन, 2013 में जो एग्जामिनेशन हुए थे ग्रुप डी के, उसका ओवरव्यू एक दे दूं। तो उसमें जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी वो था आपका 45104 वैकेंसी थी, और टोटल नंबर ऑफ अप्लीकेंट जो एस्पिरेंट थे, स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भरे थे, वो थे 125 करोड़। और हाईएस्ट कट ऑफ जो गया था पिछला बार वो था आपका 85 सिकंदराबाद जोन का, और लोएस्ट कट ऑफ जो था 51 गुवाहाटी जोन का। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो पिछला बार जिनका हाईएस्ट मार्क्स 85 आया था और जिनका लोएस्ट मार्क्स 51 आया था, उनके बीच में जितना मार्क्स आया था उन लोग का सिलेक्शन हुआ था। और पिछला बार इतना हाई कट ऑफ जाने का मेन रीज़न ये था फ्रेंड्स कि पिछला बार जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे थे उसके जो सिलेबस थे एग्जामिनेशन पैटर्न का, उसमें 80% क्वेश्चन जो थे वो जीके के पूछे जाते थे, और जीके उतना हार्ड नहीं होता था, एकदम आसान जीके पूछे जाते थे जिसमें हिस्से हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो है उसमें 50% जीके पूछे जा रहे हैं, इसमें से मात्र 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके हिस्ट्री से तो पूछे ही नहीं जा रहे, पॉलिटी और ज्योग्राफी से और ये सब से आते हैं, और बाकी जो 30 क्वेश्चन हैं उसमें आपको साइंस को प्रायोरिटी दी जाती है, उसमें से ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से कुल मिला के आपके रहते हैं 25 क्वेश्चन, और जो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके करेंट अफेयर के आ रहे हैं। तो इस बार जो है एग्जामिनेशन पैटर्न जो है हार्ड कर दिया, और पिछली बार जो है मात्र 20% में आपको रीजनिंग और मैथ पूछे जाते थे, और इस बार जो है आपको 50% क्वेश्चन जो है रीजनिंग और मैथ के हैं। तो पिछली बार से एग्जामिनेशन पैटर्न जो है इस बार हार्ड है, हार्ड एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो उतना पिछली बार के जैसा कट ऑफ उतना हाई नहीं जाएगा। लेकिन आगे मैं बात करूंगा हर एक जोन के कट ऑफ के बारे में कि कितनी संभावना है जाने की। तो इस तरीके से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन का जो लेवल है वो अच्छा आ रहा है। तो अब मैं बात करूंगा कि 2018 में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके कितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और कितने आप एस्पिरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 2018 में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें लगभग 62,000 है, और टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट अप्लीकेंट है 180 करोड़। तो इसके ऊपर मैं अब कट ऑफ के बारे में बात करूंगा कि 2018 में जो है जोन वाइज कितने कट ऑफ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले हर एक जोन का, इधर जोन वाइज है और ये जनरल का कट ऑफ, ओबीसी का, फिर एससी और एसटी, एक सर्विसमैन का यहाँ पर बोलूँगा मैं। तो बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में है का जो है जनरल कैटेगरी का अनरिजर्व का रहेगा आपका 50, ओबीसी का 48, एससी का 40, और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 38। कुछ आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इतना ही के आसपास रहेगा। और जो मैं ये बता रहा हूँ फ्रेंड्स कट ऑफ, ये आपका रॉ कट ऑफ है। रॉ कट ऑफ का मतलब है कि आप जितने नेगेटिव मार्किंग किए और नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं उसमें से नेगेटिव मार्किंग का जो है नंबर काट के इतना मार्क्स आपको आना चाहिए, ना कि आप इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, तो उसमें गलती को छांट के आना चाहिए इतना ही। इसका मतलब है कि आपको निगेटिव मार्किंग नहीं करना है, उस आराम से बिना निगेटिव के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं अच्छे से, तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का यूआर का 54, ओबीसी का 53, एससी का 46 और एसटी एक्स सर्विसमैन का 40। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का यूआर का 56, ओबीसी का 54, एससी का 47 और एसटी एक्स सर्विसमैन का 40। अजमेर की बात करें तो यूआर 40, ओबीसी 57, एससी 52 और एसटी 45। गुवाहाटी की बात करें तो यूआर 52, ओबीसी 50, एससी 48 और एसटी एक्स सर्विसमैन 45। पटना की बात करें तो पटना में यू आर 61, ओ बी सी 56, एस सी 48 और एस टी एक्स सर्विसमैन 44।
अब बात करें हम लोग रांची की, तो रांची में EUR जो है 59, OBC 56, SC 51, ST 57 और एक्स सर्विसमैन भी 57। भोपाल की बात करें तो भोपाल में UR 60, OBC 57, SC 48 और ST 46। बेंगलुरु की बात करें तो UR 61, OBC 58 और SC 50, ST 47। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा फॉर्म चौथा नंबर जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डाला गया है, तो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा हाई रहेगा। तो अहमदाबाद का जनरल की बात कर ले तो 48, OBC की 62, SC के 58 और ST का 54। अब सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए हैं और इसका हमेशा कट ऑफ पिछला बार भी 85 रहा था, तो इस बार थोड़ा ऊपर जाएगा। तो सिकंदराबाद का UR का 70, OBC का 65, SC का 56 और ST का 57। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें मुंबई का, तो मुंबई भी बहुत ही हैवी जोन है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म फिलअप किए गए। ये तीसरा नंबर जोन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉर्म डाला गया। तो UR का 72, OBC का 68, SC का 60 और ST का 56। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता UR 65, OBC 60, SC 55 और ST 47। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर का है जो UR 68, OBC 66, SC 57 और ST 48। अलाहाबाद जोन सेकेंड हाईएस्ट जो है, इसमें सबसे ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट है इसमें फॉर्म फिलअप करने वाले नंबर ऑफ एप्लीकेंट के, तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर रहेगा। तो जनरल की बात कर लें तो 70, OBC के 68, SC का 58 और ST के 50। चंडीगढ़ फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं डाले गए हैं। ये जो मैंने जितने भी जोन वाइज लिखे हैं वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जिसमें ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि कहाँ किससे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं, उस तरीके से मैंने इसको लिखा है। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो इसका जो है कट ऑफ रहेगा जनरल का 70, OBC का 67, SC का 56 और ST का 55। तो ये थे फ्रेंड्स मेरे, इस ऑन द बेसिस ऑफ इन चारों के बेसिस पर मैंने ये जो है कट ऑफ बनाया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले, मैं एक वीडियो डाला था उसमें कमेंट किए कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, इस तरीके से इतना अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, तो क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस बार हार्ड है। पिछले बार के मुताबिक, पिछले के हिसाब से आप कट ऑफ नहीं बना सकते, क्योंकि इस बार जो है एग्जामिनेशन पैटर्न बदल गया है और क्वेश्चन का लेवल अच्छा आ रहा है, तो उस हिसाब से मैंने ये कट ऑफ सेट किए हैं। और इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, एक दो नंबर का आगे पीछे होगा। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप उसको मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।